नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर विजिलेंस की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकानों से 5,65,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इंजीनियर संजय राय के 4 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। पटना के आवास से भी भारी मात्रा में कैश मिले हैं तो पोस्टिंग वाले जिले किशनगंज से भी भारी कैश की बरामदगी हुई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गहने और जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कई निवेश की जानकारी भी विजिलेंस के हाथ लगी है, तो इन नोटों की गड्डियों को देखिए। ये आपके हक का पैसा है जो लूट कर इस तरीके से जमा किया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए। विजिलेंस की कार्रवाई में एक इंजीनियर के घर पर जब विजिलेंस की टीम छापा मारती है तो किस तरीके से अकूत दौलत, अकूत संपत्ति वहां पर बरामद होती है। बिहार में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार रॉय के ठिकानों पर छापा मारा गया है। इस छापेमारी में भारी मात्रा में कैश मिला है, जिसे देखकर अधिकारी भी चौंक गए। 5 करोड़ से ज्यादा कैश निगरानी के हाथ लगा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, कैश देखकर चौंक गए विजिलेंस के अधिकारी। एक साथ 4 ठिकानों पर हुई बड़ी कार्रवाई। इन नोटों को देखकर विजिलेंस के अधिकारी हैरान रह गए। ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूपसपुर में मौजूद घर पर निगरानी ने छापा मारा। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं संजय कुमार राय। फिलहाल इनकी तैनाती किशनगंज में है और देखिए कि पटना स्थित आवास पर छापेमारी की है और विजिलेंस की टीम जो है इस वक्त छापेमारी कर ही रही है। और देखिए कि सामने हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि ये जो कैश है तकरीबन 1 करोड़ रुपये है। इसके अलावा कई सारे ऑर्नामेंट्स बरामद किए गए हैं, कई निवेश के कागजात बरामद किए गए हैं और लंबे समय से इनके ऊपर विजिलेंस की टीम की जो है वो नज़र थी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इनके खिलाफ जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स और कैश का जो है हम लोग को संदेह लगा और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया और तब एसर्टेन किया। उसके बाद हमने कोर्ट से एफआईआर कोर्ट से जाके हमने वारंट का परमिशन लिया और एफआईआर लॉन्च किया 43/2022 के अंतर्गत। उस वारंट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर रेड आज कंडक्ट किए हैं। इंजीनियर संजय कुमार राय इस वक्त किशनगंज में तैनात है। उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद निगरानी ने एक्शन लिया। एक साथ निगरानी ने 4 जगहों पर छापेमारी की। पटना के रूपसपुर में मौजूद आवास को खंगाला गया तो 1 करोड़ से ज्यादा कैश पटना में मिला, गहने भी मिले, निवेश के कागजात मिले। किशनगंज में 3 जगहों पर विजिलेंस ने छापा मारा। एक जगह इनके निजी सहायक के निवास से कार्रवाई हुई, वहां से करीब 2.5 करोड़ रुपए मिले। दूसरा छापा लेखा लिपिक खुर्रम सुल्तान के घर पर हुआ, जहां से 11 लाख रुपए मिले। और तीसरा छापा किशनगंज में इंजीनियर के घर पर हुआ। निगरानी के 13 सदस्यों की टीम ने किशनगंज में छापा मारा। किशनगंज में विजिलेंस की टीम को भारी मात्रा में कैश मिला, बैंक के पासबुक और निवेश के कागजात भी मिले। यहाँ भी बहुत सारा कैश बरामद हुआ है, लगभग 10 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है और कुछ बैंक पेपर्स वगैरह मिले हैं, कुछ लोन पेपर्स मिले हैं। इसके अलावा जो है पटना में भी रेड चल रहा है। दरअसल विजिलेंस के पास इंजीनियर की अवैध कमाई की शिकायत मिली। इसके बाद जांच की गई, जांच में भ्रष्टाचार के ठोस सबूत मिले। इसके बाद ही पटना में निगरानी थाने में आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज किया गया। फिर कोर्ट से अनुमति लेकर छापेमारी संभव है। इस मामले में आगे कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना के खुसरूपुर में दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल शुक्रवार को बच्चों के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में